तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जा रहा था, और यहाँ पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो यहाँ की रिपोर्टिंग कर रही थी। अब दोस्तों ये टाउन में जितने भी लोग हैलोवीन की ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने उन्हीं तीनों बीस्ट की पहन रखी थी, यानी कि 3 फिंगर्स और टूथ एंड 1 हेड की। अब हम लोग यहाँ की रिपोर्टर को देखते हैं, उसके रिपोर्टिंग कुछ देर के लिए वो बंद करती है और एक उसी टाउन में रनिंग करने के लिए चली जाती है। रनिंग करते करते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, उसे ये पता नहीं पड़ता कि वो कब कब इस जंगल में आ गई है। अपने सामने वो एक शॉर्ट टूथ को देखती है जिससे उसको लगता है कि यही कोई आदमी है जिसने उसकी जैसी ड्रेस पहन रखी है, तो वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। आगे दोस्तों उसको 1 हेड मिलता है जिसको देखकर वो फिर से हैरान हो जाती है और वो उसको भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो कुछ देर और आगे जाती है और उसको वहाँ पर 3 फिंगर मिलता है, और 3 फिंगर दोस्तों मैं बता दूँ इन तीनों में सबसे खतरनाक था। तो वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और वो उसके मिडल फिंगर को उसके हाथ से भी काट देता है। अब वहाँ पर उसको मेनार्ड मिलता है जो कि उसको बचाने की एक्टिंग कर रहा था, पर मुख्य विलन इस मूवी का मेनार्ड ही है। अब यहाँ पर मेनार्ड उसको ये रिवील करता है कि वही इन तीनों के साथ भी है और वो उसको मार देता है। अब दोस्तों एंड में मेनार्ड उस लड़की को मार देता है, वो उसका हाथ काट देता है और ये तीनों भाई उसके हाथ को पकड़ के उसको शाबाशी दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि मेनार्ड उन तीनों बीस्ट को अपना ब्रदर कहकर बुला रहा था, और यहाँ हमें पता पड़ता है कि वो तीनों उसके ब्रदर थे और ये तीनों चारों ही आदमखोर थे और ये लोग आदमी को खाते थे। हम यहाँ से देखते हैं ये तीनों उस लड़की को अपने कैबिन में लेकर आते हैं, यानी कि उस रिपोर्टर को, और उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को निकाल कर उसको खाने लगते हैं। यहाँ पर मेनार्ड उन तीनों को समझाता है और उन पर गुस्सा होता है कि तुम तीनों ने सबूत क्यों नहीं मिटाया अगर तुमने इसको खा गया तो, यहाँ पर अगर लोग आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब अगला सीन चेंज होता है, हम लोग यहाँ पर 5 फ्रेंड को देखते हैं जो उसी टाउन में हैलोवीन पार्टी को सेलिब्रेट करने आए थे, और उनके रास्ते में मेनार्ड आ जाता है जिसे देखकर उनका जो डिस्टरबेंस हो जाते हैं वो लोग, उनकी जो कार है वो डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है ऑफ ट्रैक होकर। वो लोग उस मेनार्ड के पास जाते हैं और उनको लगता है कि वो मर गया, पर उनमें से उनका जो फ्रेंड होता है बिली, उसको जो कार चला रहा था उसको ये पता होता है कि वो नहीं मरा है क्योंकि उसकी कार ने किसी भी आदमी को टच नहीं करा है। वो लोग उसके पास जाते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो अपना एक चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग उसको मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर हम उन तीन बीस्ट को देखते हैं जो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे, पर दोस्तों तभी वहाँ पर जो पुलिस आ जाती है, पुलिस में यहाँ पर शेरिफ एंजला आई थी और यहाँ पर डिप्यूटी आए थे। यहाँ पर वो लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं और वो लोग उनको बचा भी लेते हैं। तब यहाँ पर शेरिफ एंजला डिप्यूटी से कहते हैं कि आपको यहीं पर रहना होगा, इससे सारी बात की जांच करनी होगी। वो लोग जैसे यहाँ से चले जाते हैं वो तीनों बीस्ट उस डिप्यूटी को मार देते हैं, और दोस्तों फिर से यहाँ से सीन चेंज होता है, यहाँ पर बिल्ली को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बचा कर सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि यह सब मैंने करा है। इसके साथ बाद वो सब लोग बच जाते हैं और अपने अपने होटल में जाते हैं। यहाँ पर हम एंजला को देखते हैं जो मेनार्ड को के बारे में डिटेल निकाल रही थी कि वो एक हिस्ट्री शीटर भी है। अब यहाँ पर उससे कोई बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमको सुबह तक हमारी वेडिंग मानना होगा, पर यहाँ पर मेनार्ड कहता है कि तुम नहीं जा पाओगी सुबह तक अगर तुम जिंदा बच भी नहीं पाओगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर इस टाउन में हैलोवीन पार्टी चल रही थी, और हम लोग देखते हैं कि वो तीनों जो बीस्ट होते हैं इनके वो तीनों भाई इस टाउन के जितने भी टेली कम्युनिकेशन के जितने भी टावर थे वो उन सबको तोड़ देते हैं, जिसके कारण इस शहर के जितने भी फोन पे बातचीत हो रही थी वो सब टूट जाती है। अब ये लोग उस शहर के पावर हाउस में जाते हैं और वहाँ की सारी बिजली को काट देते हैं, पर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको देख लेता है और वो लोग उसको भी एक भयानक मौत दे देते हैं, और उनका जो मोटिव था इनकी बिजली काटने का वो उसको पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर सारे शहर की बिजली जो है दोस्तों चली जाती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो बिल्ली की एक फ्रेंड थी वो उसको खाना देने आई थी, और उसे खाना देकर जैसे वो घर जा रही होती है उसको रास्ते में सॉ टूथ देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है क्योंकि वो उसको भी मारना चाहता था। वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है और फाइनली उसको पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू डालकर उसको मार देता है। वहीं से उसका दोस्त क्रिश जा रहा होता है, पर वो उन्हें देख नहीं पाता क्योंकि वो दोनों एक अंधेरे से कोने में थे और यहाँ पर सॉ टूथ उसको मार रहा था। वो वहाँ से सीधा निकल जाता है और उनकी तरफ देख भी नहीं पाता। अब यहाँ पर क्रिस उस पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और बिली से पूछता है कि वो हमारी फ्रेंड कहाँ पर है जो तुमको डिनर देने आई थी। वो उसे कहता है कि वो यहाँ से चली गई है मुझको डिनर देकर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनका एक फ्रेंड था और उनकी एक फीमेल फ्रेंड भी थी। उनके घर पर एक सॉटूथ आ जाता है और 1 हेड आ जाता है जो उनको पकड़ कर ले जाता है। वो यहाँ पर उस लड़की का नाम लेटा होता है, वो उस लेटा पर भी हमला करते हैं, पर लेटा किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शेरिफ एंजेला थी उनका हस्बैंड उसको डिनर देने आया था और वो उसको डिनर देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दोस्तों फिर से उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि बीच थे। हम देख रहे थे कि वो यहाँ पर क्रिस का जो पैर था उनको हथौड़ों से वार कर रहे थे और उसके पैर को तोड़ देते हैं, जिसके कारण उसकी जो है दोस्तों डेथ हो जाती है और वो उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन के पास ही छोड़ जाते हैं। पर जिस टाइम वो छोड़ कर गए थे वो उस समय जिंदा था। अब यहाँ पर बिल्ली और उसका फ्रेंड उसको देख लेते हैं और यहाँ पर शेरिफ एंजेला भी उसको देख लेती हैं। वो जैसे उसको बचाने के लिए जाती हैं वो तीनों भाई उसके ऊपर अपना ट्रक चढ़ा देते हैं और उसके ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। पर शेरिफ एंजेला और बिल्ली उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो तीनों बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शेरिफ एंजेला एक अपने ड्रॉर में से रिवॉल्वर निकालती है और उन दोनों फ्रेंड्स को देती है और कहती है कि तुमको इस पुलिस स्टेशन की रक्षा करनी पड़ेगी, और वो खुद अपने रिवॉल्वर को लेकर बाहर निकलती हैं और देखने के लिए कि वो तीनों कहाँ पर हैं। वो पास ही के एक शॉप में जाती है जहाँ पर एक टेलीकम्युनिकेशन शॉप थी। वो वहाँ से उस जनरेटर को किसी तरह से बहादुरी से अपनी से उस जनरेटर को चालू करती है और एक आदमी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें बैकअप लाना होगा। वो आदमी दोस्तों वहाँ पर भीड़ पी रहा होता है और वो सोचता है कि आज तो हेलोवीन है और लोग मेरे से हेलोवीन प्रैंक कर रहे होंगे, तो वो उसकी कॉल को पिक नहीं करता है। और किसी तरह से लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और उसको सारी बातें बताती है कि मेरे घर पर वो तीनों बीस्ट आए थे। पर जो बिली होता है वो उस पर शूट कर देता है कोई और समझ के। पर फाइनली जो गुड न्यूज़ ये थी कि वो लीटा जो है वो वहाँ पर उस गन के वार से बच जाती है। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि बिली और उसका फ्रेंड अपने फ्रेंड क्रिस की डेड बॉडी को बाहर से लेने जाते हैं, पर जैसे उसकी डेड बॉडी को वो देखते हैं उनको वहाँ पर थ्री फिंगर दिखता है और वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही उनको थ्री फिंगर दिखता है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर शॉटगन से हमला करते हैं। पर ये दोस्तों शॉर्ट टूथ का एक प्लान होता है और वो उसके प्लान में फंस जाते हैं। और यहाँ पर जैसे उनकी आंखें खुलती हैं बेहोशी से वो अपने आप को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाते हैं। यहाँ पर जो बिली था उसकी पूरी बॉडी जमीन में धसी हुई थी, उसका सिर सिर्फ बाहर था। और यहाँ पर हम उसके फ्रेंड को देखते हैं जो जंजीरों से बंधा हुआ था और वो ग्राउंड पर लेटा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों थ्री फिंगर आता है अपने एक मशीन को लेकर और वो देखता है कि अब बिली को लगने लगता है कि उसकी अब मौत उसे पता है कैसे होने वाली है। यहाँ पर जो थड़ाई है वो उसे आगे से नहीं मारता, वो उसको पीछे से आता है और पीछे से अपने उसके मशीन को लाता है और उसके सिर पर हमला कर देता है और फाइनली बिल्ली भी मर जाता है। वो उसके दोस्त को भी मारने वाला था तो वो उसके दोस्त के पीछे पीछे जाता है और उसके दोस्त को भी उसी तरह की भयानक मौत देता है। ये सीन दोस्तों यहाँ से चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर शेरिफ एंजेला को देखते हैं जो एक अपने एक आदमी को उन लोगों के पीछे भेजते हैं और बैकअप लाने के लिए बोलती हैं। वो आदमी वहाँ से शेरिफ एंजेला की कार को भी लेकर जाता है और यहाँ पर वो जैसे एक रोड से जा रहा होता है उसको वो डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और वो कुछ हाई स्पीड में भी कार को चला रहा था। यहाँ पर उसके क्रैश होने का रीज़न ये था कि उन तीनों बीस्टों ने रास्ते में कुछ वायर बिछा रखी थी नुकीली, जिसके कारण उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो तीनों बीस्ट उसको भी दोस्तों पकड़ कर ले जाते हैं और उसको एक ड्रम में बंद कर देते हैं और उसको वो पुलिस स्टेशन के पास एक शॉप में लेकर आते हैं और उसको ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। वो चिल्ला रहा होता है तो शेरिफ एंजेला को उसकी आवाज़ आती है, वो उसे बचाने के लिए जाती हैं। जैसे वो शॉप के पास पहुंचते हैं शॉप में एक बड़ा सा धमाका होता है और यहाँ पर वो फिर से उसी मेन विलन के पास हमें ये सीन दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पर मिनार्ड को स्टेशन के अंदर देखते हैं और उसकी जो हिफाजत थी वो लीटा कर रही थी, यानी कि वो भाग ना जाए। वो लीटा से मिनार्ड कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लीटा उसके जहाँ से मार जाती है और उसे रिहा कर देती है और फाइनली वो अपना बदला लेने के लिए, यानी कि मिनार्ड अपना बदला लेने के लिए लीटा को भी मार देता है। अब जैसे ही लीटा को वो मार नहीं पाता वो उसकी आंखों को निकाल लेता है और वो जैसे उसे मारने के लिए अपनी गन लेकर बाहर आता है वो वहाँ पर उसे गोली चलाने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर शेरिफ एंजेला उसके शोल्डर पर अपनी गन से हमला कर देती है और वो उसको वहाँ पर फिर से जेल के अंदर बंद कर देती है और वो लीटा को भी स्टेशन के अंदर ले जाती है ताकि उसे कुछ ना हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि शेरिफ एंजेला बाहर आती हैं और वो अपने हस्बैंड को अपनी कार के अंदर बंद देखती है। उनको लग रहा था कि ये कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है तो वो बड़ी ही आराम से जा रही थी। दोस्तों यहाँ पर ट्रैप ये था कि उन तीनों बीस्टों ने उनके पति के ऊपर एक धारदार चाकू रख रखा था और उसका जो हैंडल था वो कार के डोर से अटैच कर रखा था ताकि जब भी कार का डोर खुले तो उसके पति की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि वो तीनों बीस्ट पीछे से अपना ट्रक लेकर आते हैं और उसके हस्बैंड की कार के ऊपर उससे हमला कर देते हैं ताकि वो मर जाए। पर वहाँ पर जो शेरिफ एंजेला है वो वहाँ पर बच जाती है और जो वो वहाँ से थ्री आयर्ड निकलता है और उसके ऊपर बुरी तरह से हमला करता है और यहाँ पर इतनी बुरी तरह से वो उसे मारता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर मिनार्ड लीटा को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लीटा पागल होकर एक रोड पर आ जाती है। दोस्तों ये मूवी का फाइनल सीन चल रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि मिनार तो बाहर है पर जो शेरिफ एंजेला है वो स्टेशन के अंदर हुई है, यानी कि अपने बैरक में उन्हें बंद कर दिया है और उसके तीनों बीस्ट उसके चारों तरफ
पेट्रोल डाल रहे हैं आग जलाने के लिए ताकि वो उसे आग में मार सके। यहाँ पर मिनाडो से दो ऑप्शन देता है, या तो तुम आग में जल के मर जाओ या फिर मैं तुम्हारे ऊपर एक शॉटगन अटैच कर रहा हूँ जिसका ट्रिगर तुम्हारे एंकल से जुड़ा हुआ है ताकि तुम जब भी अपने एंकल को नीचे रखोगी वो तुम्हारे सिर को उड़ा देगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम आग से मरो या फिर अपनी ही शॉटगन से। वो वहाँ पर उसका पास एक आग जला कर चला जाता है और वो बाहर जाता है तो उसको शॉटगन चलने की आवाज़ आती है जिससे उसे लगता है कि एंक जलाने बहुत ही आसान मौत चुनी है और उसने शॉटगन से अपने आप को मार लिया है। दोस्तों इसके बाद हम लोग लीटा को रोड पर देखते हैं और जहाँ पर उसको एक ट्रक की आवाज़ आती है और वो उस ट्रक से हेल्प करने के लिए रुकती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो ट्रक मिनार्ड का ही होता है। अब दोस्तों अब मैं हमें आगे पता पड़ ही गया है कि आगे क्या होने वाला है, तो मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।